कैसे हैं आप सब? फाइन। लास्ट क्लास में हम सब ने रिटायरमेंट पढ़ा था और एडमिशन से रिलेटेड रूल्स पढ़े थे। हम सब पढ़ रहे हैं सी ए सी पी टी में रिलेशन ऑफ पार्टनर्स चैप्टर। ये आपके चैप्टर नंबर 3rd में है और यूनिट 2 में है। हम सब अभी तक यही चला रहे हैं और आज इस चैप्टर का लास्ट क्लास है और ये चैप्टर आज इस वीडियो क्लासेस में फिनिश हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर। इसके बाद इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर और इसके बाद डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ ए पार्टनर ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं। पुराने जितने भी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो ऐसी हालत में आपको वो सब ऑलरेडी आप देखेंगे मैं पूरा कर चुका। नोटिस देने के क्या रास्ते हैं वो सब आप पहले से सब कुछ मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर। एक्सपल्शन का मतलब क्या है? किसी पार्टनर को फर्म से बाहर कर देना। ठीक है, तो किसी पार्टनर को बाहर का रास्ता दिखा देना। आप सब लोग फिल्म देखने जाते होंगे, सिनेमा हॉल में बाहर वाले गेट जो होता है वहां पर क्या लिखा हुआ होता है जब आप फिल्म देख कर जाते हैं? एग्जिट डोर। तो वो एग्जिट डोर जो वर्ड्स है वो यहीं से बना, एक्सपल्शन। तो किसी पार्टनर को बाहर करना, हिंदी में बोलते हैं निष्कासित करना। ठीक है, तो क्या किसी पार्टनर्स को फर्म से बाहर किया जा सकता है? अगर हाँ तो कब, और अगर नहीं तो कब नहीं? और अगर बाहर किया जा सकता है तो क्या वैलिड रूल्स हैं? और अगर नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता? ये सब कुछ अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर। वो नॉर्मली नहीं हो सकता, किसी भी पार्टनर को आप सब मिलकर नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन स्पेशल केस में आप उसे बाहर कर सकते हैं। वो स्पेशल केस क्या है? देखिए, आप उसे बाहर कर सकते हैं। नंबर एक, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा एग्रीमेंट है, इफ इट इज प्रोवाइडेड इन पार्टनरशिप डीड। यानी अगर जब आपने एग्रीमेंट बनाया था तो आपने पहले से ही किसी पार्टनर्स को पावर दे दी थी कि ये पार्टनर जिसको बाहर करेगा वो एग्रीमेंट वो जो है बाहर हो जाएगा। तो अगर आपने पहले से ही पावर ऑफ अटॉर्नी बना दी है पार्टनरशिप डीड में किसी पार्टनर्स को बाहर करवाने की, तो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपको उसे मानना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप पहले से एक म्यूचुअली कॉन्ट्रैक्ट बना चुके हैं। और अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसी व्यवस्था नहीं है, इफ इट इज नॉट इन डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा नहीं है तब उस पार्टनर को कैसे बाहर कर सकते हैं हम? तब देखिए, डेफिनेटली आप किसी पार्टनर को बाहर क्यों करेंगे आप बताइए? जब उसमें फर्म का क्या हो, गुड फेथ हो। इफ देयर इज ए गुड फेथ इन सच एक्सपल्शन। अगर ये इस बाहर करने में फर्म का क्या है, गुड फेथ है। तो आइए पहले तो ये बात करते हैं गुड फेथ होता क्या है। देखिए, गुड फेथ का मतलब है ऐसा कोई भी काम जिससे फर्म का बेनिफिट होने जा रहा है उसे कहते हैं गुड फेथ, और जिससे फर्म का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है तो उसे गुड फेथ नहीं कहेंगे। इसमें केस है वो आपके स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है कि तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, और किसी प्राइवेट पार्टी में जो ए की वाइफ है, वाइफ ऑफ ए और वाइफ ऑफ बी, ये दोनों आपस में लड़ाई कर लेती हैं। ठीक है, और जब लेडीज आपस में लड़ती हैं बड़े घुसे लात से लड़ती हैं, तो ऐसी हालत में हुआ ये कि बी की वाइफ ने
एक ही वाइफ को अच्छे से पिटाई कर डाली। तो अब ये अब ए का क्या कर्तव्य बनता है एक हस्बैंड के नाते, जब उसे बाद में ये बात पता लगेगी तो वो पत्नी के प्रति वफादारी दिखाएगा। तो उसने क्या करा, फॉर्म में आने के बाद सी को अपने पक्ष में लिया और सी से कहा कि भाई बी हमारा पार्टनर नहीं होना चाहिए, और मेजोरिटी बना ली और बी को बाहर कर दिया। तो इस केस में फैसला ये निकला कि ये एक्सपेल्शन वैलिड नहीं है, ये नल एंड वाइड है। रीजन कि ये गुड फेथ में नहीं था, क्योंकि ये क्या था, ये था पर्सनल इवेंट, ये कोई बिजनेस इवेंट नहीं था, और पर्सनल इवेंट के कारण आप बिजनेस में कोई डिसीजन लें ये अच्छी बात नहीं है। तो ये डिसीजन गुड फेथ में नहीं माना गया, और ऐसी हालत में इसका एक्सपेल्शन गलत पाया गया। अब सवाल ये उठता है कि तब भी अगर ए चाहे कि बी बाहर हो जाए तो इसके पास, ए के पास कोई और रेमेडी है? तो इसका जवाब है सिर्फ ए के पास एक ही रेमेडी है, वो है फर्म को डिसॉल्व करवाना। यानी अगर हम किसी फर्म में किसी पार्टनर को एक्सपेल नहीं करवा पा रहे हैं तो कोई एक्स्ट्रा रेमेडी सिर्फ यही बचती है कि हम फर्म का डिसॉल्वेशन करवा दें, क्योंकि ये हर पार्टनर्स का अपना आप में राइट है। अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ उसने इसके कब पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं हो तो ऐसा तभी हो सकता है जब गुड फेथ में हो। गुड फेथ क्या होता है, जो फर्म के बेनिफिट में हो, जो बिजनेस के बेनिफिट में हो, जो पार्टनर्स के अपने पर्सनल कुछ भी लेन देन से मतलब नहीं हो, फर्म के बेनिफिट से अगर है तो ऐसा गुड फेथ में ऐसा करा जा सकता है। और कैसे किया जाएगा, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर गुड फेथ में है तो कैसे करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर, एक्सपेल्शन का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, अभी हम ये डिस्कस करने वाले हैं, मैं इसे रब कर देता हूं। था कि गुड फेथ क्या होता है ये आपने सीख लिया। तो यानी सबसे पहले एक्सपेल्शन के लिए आप टेस्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 कि जो डिसीजन है, डिसीजन क्या हो, तो एक्सपेल्शन इज फॉर गुड फेथ ऑफ फर्म, फॉर द फर्म, फर्म के बेनिफिट के लिए हो। अब हाउ, कैसे किया जाएगा एक्सपेल्शन, कैसे किया जाएगा एक्सपेल्शन, कैसे किया जाएगा? तो इसका रास्ता यह है कि आप उसे, जो जिस पार्टनर को आप बाहर करना चाहते हैं उसको आप एक नोटिस दें, तो सर्व विद ए नोटिस टू हिम, उसे आप एक नोटिस दें, नोटिस ऑफ एक्सपल्शन। नोटिस का जो हेडिंग होना चाहिए वो होना चाहिए नोटिस ऑफ एक्सपल्शन। नोटिस ऑफ एक्सपल्शन में रीजन बताना जरूरी है स्टूडेंट्स कि क्यों किया जा रहा है। ठीक है, ये डिसीजन नहीं है, ये नोटिस है, याद रखिएगा। अगर लेटर आ रहा है पार्टनर के पास पर तो डिसीजन नहीं है, वो नोटिस है। और उस नोटिस में एक तो रीजन लिखा हुआ होना चाहिए, और एक उसका रीजन लिखने के बाद वो बदले में क्या जवाब देना चाहता है, ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी टू हियर, सुनवाई की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कि सुनवाई की अपॉर्चुनिटी कि भाई ठीक है आप अपना जवाब दीजिए, क्या है जवाब दीजिए। और फिर उसके बाद इफ ही या शी फाइंड्स एट मिसकंडक्ट, और अगर ये पाया जाता है कि वो गलती पर है, वो क्या है, तो जो फैसला है, फैसला कौन लेगा, मेजोरिटी लेगा, ठीक है ना, देन एक्सपल्शन, ठीक है जी, एक्सपल्शन शैल बी मेड बाय मेजोरिटी। तब मेजोरिटी उस बात का फैसला ले, यानी अगर तब भी मेजोरिटी नहीं हो पाई है तो एक्सपल्शन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब सब लोग ये मानते हैं कि उसका एक्सपल्शन नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छा सोच रहे हैं। तो मेजोरिटी का मतलब, जैसे हमारे देश की सरकार चलती है, हमारे देश की गवर्नमेंट कैसे चलती है, मेजोरिटी पर चलती है। 51% लोग 49% लोगों पर राज करते हैं, है कि नहीं है,
कितने परसेंट लोग, इतने परसेंट की जो थिंकिंग है वो इतनों को झेलनी पड़ती है। तो ऐसे इसी को मेजोरिटी कहते हैं बस। आप करेक्ट हो गया, ठीक है जी। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि एक्सपेल्शन के लिए सबसे पहले हमें क्या देखना है और फिर कैसे होगा, नोटिस दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और ये पाया जाना चाहिए कि वो मिसकंडक्ट पर है, तो ऐसी हालत में मेजोरिटी उसका फैसला कर ले तो क्या हो जाएगा, एक्सपेल्ड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अब सवाल यह है कि अगर एक पार्टनर एक्सपेल्ड हो जाता है तो फर्म के साथ क्या होने जा रहा है? फर्म कंटिन्यू रहेगी। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो भी कंटिन्यू रहेगी अगर वो गुड फेथ के लिए था। लेकिन अब अगर ये पार्टनर जो एक्सपेल्ड हो रहा है, ठीक है, ये एक्सपेल्ड नहीं किया जा रहा है लेकिन मेजोरिटी चाहती है कि एक्सपेल्ड हो जाए, ध्यान दीजिए, ये एक्सपेल्ड नहीं हो पा रहा है, मेजोरिटी नहीं बन पा रही है, या गुड फेथ को हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं या उसके मिसकंडक्ट को हम प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, तब क्या होगा बताइए आप। अगर मिसकंडक्ट उसका नहीं पाया गया तो फिर बाकी पार्टनर्स के पास एक ही रेमेडी है, वो है फर्म को डिसॉल्व करना, फर्म को, बस इसके अलावा और कोई रेमेडी नहीं है। क्लियर हो गया आप सबको, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। इससे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर मैं जाने वाला हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इंसॉल्वेंसी। क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन होगा तो क्या फर्म को नोटिस देना पब्लिक को जरूरी होगा? इतने हिस्से पर बस। सर जब पार्टनर एक्सप्लेनेशन होगा तो क्या फर्म को पब्लिक नोटिस देना जरूरी होगा? सुन लिया, ठीक है। किन्होंने पूछा है क्वेश्चन? कुशाग्र ने पूछा है क्वेश्चन। तो आप ये सोचिए कि क्या पब्लिक नोटिस देना जरूरी है अगर किसी पार्टनर को एक्सपेल्ड किया जाता है? देखो थर्ड पार्टीज को सबको बताना है कि आज से ये हमारा पार्टनर, तो वो कैसे पता लगेगा? जब तक आप नोटिस नहीं देंगे कैसे पता लगेगा? तो आपको पब्लिक नोटिस देना जरूरी है, समझ में आ गया। अपनी वेबसाइट पर इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, आपको जो ऑफिस है उसके नोटिस बोर्ड पर लिखना जरूरी है, ताकि जो थर्ड पार्टीज हैं नेक्स्ट टाइम उससे कोई भी बिजनेस अफेयर्स ना करें आपके फर्म के नाम से। अदरवाइज अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो आपकी फर्म लायबल है, यानी बचे हुए जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब लायबल हैं, सही है ना? ये बात ध्यान में रह जाए। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। क्या है? इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहली बात है कि इंसॉल्वेंट की पोजीशन किसे कहते हैं? अकाउंटेंसी में इंसॉल्वेंसी कहते हैं कि जब एसेट्स लायबिलिटी से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसे इंसॉल्वेंसी कहते हैं। आप इसे इंसॉल्वेंसी को यह मत सोचा करें कि जो भिखारी है वही इंसॉल्वेंट होता है, ठीक है, कोई अमीर आदमी भी इंसॉल्वेंट हो सकता है। भाई इसके पास 100 करोड़ रुपए हैं एसेट्स और 101 करोड़ रुपए की क्या है, ठीक है, तो ऐसी हालत में ये क्या है, ये इंसॉल्वेंट है, इसकी डेफिशिएंसी आ गई और ये डेफिशिएंसी बॉर्न करने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। और ये एसेट्स कौन सी हैं? ये एसेट्स उसकी दोनों हैं, ये बिजनेस एसेट्स भी हैं और पर्सनल एसेट्स भी हैं, बिजनेस एसेट्स भी हैं और पर्सनल एसेट्स भी, तो ये इंसॉल्वेंसी की पोजीशन मानी जाएगी। तो कोर्ट जो है अगर इसे इंसॉल्वेंट एडजुडिकेट कर देती है, घोषित कर देती है, तो जिस दिन कोर्ट ने इसको इंसॉल्वेंट घोषित किया उस दिन से ये पार्टनर नहीं रहेगा फर्म का। ये बात क्लियर हो गई? यानी ऐसी हालत में आपको एक्सपेल्शन का नोटिस देने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने जो नोटिस दिया वो अपने आप में एक पब्लिक नोटिस है। क्लियर हो गया? सेकंड थिंग कि अब क्या फर्म कंटिन्यू रहेगी? तो देखिए नॉर्मली एक पार्टनर के इंसॉल्वेंट होने के बाद फर्म डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन ये नॉर्मली मैंने बोला है, कंपलसरी नहीं बोला है, पर अगर पार्टनर्स एग्री हैं फर्म को कंटिन्यू करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, फर्म कैन बी कंटिन्यूड। पर अगर फर्म में पार्टनर ही दो थे और एक इंसॉल्वेंट हो गया तो कंटिन्यू हो सकता है?
क्योंकि वो अकेले पार्टनर रह गया है, तो फर्म कंटिन्यू नहीं हो सकते। क्लियर हो गया बात। इसके बाद है कि इंसॉल्वेंसी के बाद बाकी पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज सब वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, जैसे पहले थे वैसे ही रहेंगे। क्लियर हो गया। कोई क्वेश्चन इंसॉल्वेंसी पर आपने पूछना हो, थर्ड पार्टीज अब बाकी पार्टनर से अपना लायबिलिटी ले सकती हैं। अब इंसॉल्वेंसी के लिए जो लायबिलिटीज हैं वो टोटल लायबिलिटीज काउंट की जाती हैं, चाहे पर्सनल हो चाहे बिजनेस लायबिलिटीज हो। ठीक है। इंसॉल्वेंसी का मतलब है कि वो घर से पैसा नहीं ला सकता फर्म के लिए। फर्म अगर उसे पैसा मंगवाना चाह रही है तो घर से पैसा, अगर वो घर से पैसा नहीं ला सकता तो वो कौन है? इंसॉल्वेंट है। ठीक है। और अगर फर्म में उसका शेयर, घर से फर्म कब उससे मंगवाएगी? जब उसका शेयर कम पड़ जाएगा तभी तो मंगवाएगी। आप इसे ऐसा ना समझे कि फर्म में तो पैसा पड़ा होगा, बात जवाब इस बात का दिया जा रहा है कि फर्म में पैसा है ही नहीं ना उसका, तभी तो फर्म उससे मंगवा रही है। ठीक है ना। जो उसका फाइनल सेटलमेंट फर्म में आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, तो फर्म कह रही है इस नेगेटिव को पूरा करने के लिए अब ये पैसा आप लेकर आइए, पर वो घर से ला नहीं पा रहा है क्योंकि उसकी प्राइवेट जो एसेट्स हैं, प्राइवेट लायबिलिटीज से कम हो गई हैं, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। इस चीज को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। करेक्ट है। ठीक है। क्लियर। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कौन सा? डेथ। डेथ दोबारा थोड़ा पर कर लेते हैं कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो नंबर एक सेक्शन 37 अप्लाई हो जाता है, यानी कि उसका फाइनल सेटलमेंट करना पड़ेगा। फाइनल सेटलमेंट नहीं हुआ तो ऐसी हालत में उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनको, जो साल के लास्ट में जब बैलेंस शीट बनती है तो दो राइट्स अवेलेबल हैं कि या तो वो उनका जो सेटलमेंट अमाउंट है उस पर उन्हें इंटरेस्ट लेने का राइट बनता है 6% के हिसाब से, या प्रोराटा शेयर इन प्रॉफिट होता है जो हम पिछले वीडियोस में दो बार बता चुके। ठीक है। तो अभी जो है थोड़ा सा ये बताया जा रहा है कि जब एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो क्या पब्लिक नोटिस देने की जरूरत है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि पब्लिक नोटिस डेथ का ऑटोमेटिकली समाज को पता लग जाता है। ठीक है। हर एक जगह कोई ना कोई सेरेमनीज होती हैं, तो वो जो सेरेमनीज होती हैं उनसे अपने आप ही पब्लिक नोटिस हो जाता है। छोटे छोटे कार्ड छपते हैं अलग अलग धर्मों में। ठीक है। या बुलाया जाता है सब लोगों को, तो वो अपने आप में पब्लिक नोटिस है, सबको अपने आप पता लग गया, वो पब्लिक एक्ट हो गया लोगों को इन्फॉर्मेशन देने का। अब ऐसी हालत में उस डेट से उसकी जो एसेट्स हैं वो लायबल नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया था तो आप पहले की तरह लायबल है, नहीं, अब लायबल नहीं है आप। ये बात क्लियर हो गई। ठीक। और इसके अलावा जो उसकी जो फर्म है वो एज इट इज कंटिन्यू चलती रहेगी। नॉर्मली डेथ होने के बाद डिसॉल्वेशन हो जाता है फर्म का, लेकिन कंपलसरी नहीं है। यहां पर भी पार्टनर्स जो बचे हुए हैं अगर वो एग्री होना चाहें, अगर वो, तो फिर ऐसी हालत में फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर लीगल हेयर्स चाहते हैं कि फर्म बंद हो जाए तो ऐसी हालत में फर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है। अगर एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा था तो, पर एग्रीमेंट में लिखा था कि भाई फर्म कंटिन्यू रहेगी तो वो कंटिन्यू ही रहेगी, तो ऐसी हालत में लीगल हेयर्स को आपको एग्री करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो एग्री का मतलब है आप उनको एग्री करवा लेंगे पेमेंट ऑफ गुडविल देकर, पेमेंट ऑफ। लीगल हेयर्स कभी भी पार्टनर नहीं माने जाते हैं, ये बात याद रहे। अगर एग्रीमेंट में ऐसा लिखा है कि मेरे डेथ के बाद जो है मेरे बच्चे पार्टनर माने जाएं, तो वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल पर्सन है, उसका एक डिफरेंट ऑफर, डिफरेंट एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, क्योंकि वो ऐसा कहना बाकी पार्टनर्स का, जो लीगल हेयर्स हैं उनका ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है। यानी कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की तरफ से कोई ऑफर या एक्सेप्टेंस दे सकते हैं क्या? नहीं, वो उन्हीं बच्चों को ही देनी पड़ेगी। क्लियर हो गया। तो डेथ में आप ये बात ध्यान में रखें, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, अगर पार्टनर्स एग्री होना चाहें तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है। करेक्ट हो गया। अब इसके बाद लास्ट रह जाता है रिवोकेशन, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। सबसे पहली बात है कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होती है। देखिए इसके लिए आप ये देखिए फर्म है और ये मिस्टर एक्स है और ये कोई क्रेडिटर है। एक्स ने क्रेडिटर से कोई पैसा लेना है, तो एक्स जब क्रेडिटर के पास पैसा मांगने गया तो
तो क्रिएटर ने कहा मैं तो आपको जानता नहीं, लेकिन मैं इन्हें जानता हूं क्योंकि ये भी आपको जानते हैं, तो अगर आप इनसे गारंटी दिलवा दो तो मैं आपको गुड्स उधार दे देता हूं। तो फर्म ने क्रेडिटर्स को बोल दिया कि आप इसे 1,00,000 रुपए तक की माल उधार दे दिया करें, ये हमारा अच्छा जानकार है या रिलेशन में है, ठीक है। अब चूंकि ये जो है एक बार की गारंटी नहीं है, हमेशा हमेशा की गारंटी है, तो इसे कंटिन्यूइंग गारंटी बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसी हालत में अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, कोई पार्टनर एडमिशन ले लेता है, तो इसे कहते हैं चेंज इन पार्टनरशिप। क्या कहते हैं इसे? रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी हालत में कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक मानी जाएगी, बंद हो जाएगी। समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है, आपको मालूम है इसके पीछे लॉजिक क्या काम कर रहा है। जब एडमिशन होगा तो नोटिस देना पड़ता है, रिटायर होगा तो नोटिस देना पड़ता है, वो देना पड़ेगा ना। तो ऐसी हालत में जब नोटिस दिया जाएगा तो नोटिस में क्रेडिटर कौन है? थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी को बताना पड़ेगा। तो अगर ये एग्री है तो जो गारंटी है वो कंटिन्यू रहेगी, और अगर ये डिसएग्री है तो इसे रिवोकेशन हो जाएगा ऑटोमेटिकली अपने आप ही। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो ऐसी हालत में अगर कोई भी चेंज आता है तो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक मानी जाती है बाय डिफॉल्ट। यानी नई फर्म, नया पार्टनरशिप पुरानी गारंटी के लिए जिम्मेदार नहीं है, पुराने पार्टनर्स ही जिम्मेदार होंगे इस कंटिन्यूइंग गारंटी के लिए। कल को अगर ये पैसा एक्स लेकर भाग जाता है और फर्म को देना पड़ता है तो क्रेडिटर के पैसे कौन देगा? पुरानी वाली पार्टनरशिप फर्म। नई वाली पार्टनरशिप फर्म आफ्टर एडमिशन, आफ्टर रिटायरमेंट वाले बोर नहीं करेंगे, पुराने वाले करेंगे। हाँ, अगर नई वाली पार्टनरशिप फर्म एग्रीमेंट में चेंज कर लेते और ये कहते हैं कि मैं पुरानी वाली लायबिलिटीज के लिए भी जिम्मेदार हूं, तो फिर एज पर एग्रीमेंट प्राण जाए पर तो उसी बात को माना जाएगा। ये बात क्लियर हो गई? अगर फर्म इस क्रेडिटर से कोई उधार लेती है और फर्म क्रेडिटर ने मना कर दिया, भाई हम नहीं जानते आपको, आप एक्स से गारंटी दिलवाओ, वैसे वर्षा भी तो हो सकता है उल्टा, तो फर्म एक्स के पास गया, रिक्वेस्ट करा कि क्रेडिटर से आपकी अच्छी जान पहचान है, आप प्लीज उन्हें कह दीजिए, और फिर ऐसी हालत में एक्स ने क्रेडिटर्स को कह दिया और फर्म ने माल खरीद लिया, और बाद में अब क्या हो गया? एडमिशन, रिटायरमेंट, तो अब ये कंटिन्यूइंग गारंटी फिर से क्या हो जाएगी? क्योंकि रिवोक हो जाएगी, क्योंकि अब ऐसी हालत में जो पहले इसने वादा लिया था वो किससे लिया था? पुरानी वाली फर्म से। तो अब एक्स जो है फ्री हो जाएगा जैसे ही चेंज इन पार्टनरशिप होगा, क्योंकि एक्स ने गारंटी पुरानी फर्म की दी थी, नई फर्म की नहीं दी थी। और अगर क्रेडिटर अब भी पैसा दे रहा है, अब भी उधार माल दे रहा है, तो क्रेडिटर खुद जिम्मेदार है, एक्स जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि एक्स ने जो गारंटी दी थी वो किसकी दी थी? पुरानी फर्म की दी थी। ये बात क्लियर हो गई आप सबको? करेक्ट है। तो इस चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट हो जाने के बाद ये जो चैप्टर है आपका रिलेशन ऑफ पार्टनर्स, ये फिनिश होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी इसके बावजूद कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं तो उन क्वेश्चंस की लिस्ट बनाकर मुझे मेल कर दीजिए। तो एक इसके बाद एक वीडियो मैं बना दूंगा FAQ सीरीज पर, तो जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं लेकर, आपके नाम लेकर उसका एक वीडियो बनाऊंगा और उसके आंसर्स बना दूंगा, ताकि आपको वो सारी क्वेरीज के आंसर्स मिल पाए। जो होल कम्युनिटी, सारी एजुकेशनल स्टूडेंट्स हमको देख रहे हैं, हो सकता है वही क्वेश्चन ज़्यादातर उनके भी हों, तो उनको भी उस वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है। फिलहाल इस यूनिट को हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए गुड बाय।